बिल्कुल भी ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि इस तरीके से कच्छ में हमारे जो सिख भाई थे जो वहां पर काम कर रहे थे, वो भी पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के वहां पे सालों से वहां पर रुके हुए थे, उनको भी निकालने का काम इस सरकार ने किया है। तो ये बात तो आज बहुत स्पष्ट हो गई है कि भाजपा ही पहले धर्म के आधार पर, फिर जुबान के आधार पर, फिर खानपान के आधार पर, फिर वेशभूषा के आधार पर, और अब इस हालात पे आ गए हैं, इस तरीके की ध्रुवीकरण हो गया है, इस तरीके की मानसिकता पनपने दे रहे हैं, इस तरीके का जहर फैलाया है, जहां पे आपकी आर्थिक स्थिति क्या है उसके आधार पर आपका बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यहां पर सीधे सीधे रूपाणी जी और नरेंद्र मोदी जी को इस बात का जिम्मेदार